विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा मोड़ खैर रोड अलीगढ़ में कक्षा द्वादश के भैया बहनों का शुभाशीष कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ विद्यालय की अध्यक्षा डॉ. उमेश कुमारी, प्रबंधक डॉ. राजीव अग्रवाल, विख्यात कथावाचक सुनील कौशल महाराज, रिटायर्ड प्रवक्ता डॉ. बी. पी. पांडे, उप प्रबंधक गोपाल कृष्ण अग्रवाल और प्रधानाचार्य अशोक कुमार के द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया गया। तत्पश्चात माँ सरस्वती की वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बहन प्रेक्षा के द्वारा स्वागत उद्बोधन किया गया। भैया विवेक सारस्वत और उत्तम मलिक के द्वारा विद्यालय एवं गुरुजनों के साथ बिताए गए पलों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। बहन खुशी, भूमिका अनुष्का व शिवांगी शुक्ला ने शिक्षकों के प्रति अपनी भावनाएं प्रस्तुत की। बहन माही वार्षणेय एवं साक्षी चौधरी ने भी विद्यालय में बिताए गए पलों को भावुक होकर प्रस्तुत किया। आचार्य मदन मोहन ने अपनी कविता के द्वारा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। विद्यालय के प्रबंधक डॉ. राजीव अग्रवाल ने छात्रों से आह्वान किया कि अगर कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना है तथा अपने अंदर नम्रता का भाव सहेज कर रखना है। विख्यात कथावाचक सुनील कौशल महाराज ने छात्रों को बताया कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के असफल होने के बाद एक सफल राष्ट्रपति व वैज्ञानिक बनने का वृत्तांत भी सुनाया। डॉ. बी. पी. पांडे ने छात्रों से कहा कि विद्या मंदिर के सभी स्कूल संस्कारों के प्रति समर्पित होने के कारण आप सभी भाग्यशाली हैं। यहाँ के छात्रों में नैतिकता कूट कूट कर भरी होती है। विद्यालय की अध्यक्षा डॉ. उमेश कुमारी ने कहा कि आप सभी छात्र विद्या मंदिर द्वारा दिए गए संस्कार को कभी न भूले, क्योंकि मनुष्य के जीवन में संस्कार हमेशा काम आते हैं। विद्यालय के प्रबंधक गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने छात्रों को बताया कि आज से आपका नया अध्याय शुरू हो रहा है। आपका यश विद्यालय के यश से जोड़ा जाएगा। प्रधानाचार्य अशोक कुमार के द्वारा आए हुए समस्त आगंतुकों का आभार व्यक्त किया एवं सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे विद्यालय में छात्रों की विदाई नहीं होती, बल्कि वह जीवन पर्यंत विद्यालय परिवार का हिस्सा बने रहते हैं। कार्यक्रम का संचालन बहन गुंजिता व भैया स्वरित के द्वारा आचार्य सुरभि केला व शिखा यादव, आचार्य सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की सर्वव्यवस्था प्रमुख दिनेश पाल सिंह व अतुल शर्मा रहे। आशीर्वाद समारोह को सफल बनाने में विद्यालय के सभी आचार्य, आचार्या बहनें व कर्मचारी में विदाई समारोह नहीं होता, आशीर्वाद समारोह होता है, क्योंकि बच्चों को हम कभी विदा नहीं कर सकते। बच्चे हमेशा विद्या मंदिर के साथ जुड़े रहते हैं, उनके विचारों के साथ जुड़े रहते हैं। आशीर्वाद समारोह इसलिए है ताकि वो जीवन में कुछ आगे बढ़े, कुछ अच्छा कर सकें और एक अच्छे इंसान बनकर, अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें, इसलिए आशीर्वाद समारोह रखा गया। सर, जो भाजन को ये बताया गया है कि जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएं कुछ अच्छा करें, इस राष्ट्र की उन्नति के निर्माण में अपना योगदान दें और ऐसा कुछ करके जाएं ताकि पीढ़ियों को याद करें। देखिए, सभी छात्रों को अच्छा नागरिक बनना चाहिए। अच्छा नागरिक बनेंगे तो सारी खूबियां स्वतः उनके अंदर आ जाएंगी और अच्छा नागरिक बनकर ही हम देश का भविष्य निर्मित कर सकते हैं और अपना भविष्य निर्मित कर सकते हैं। मेरा समस्त छात्र छात्राओं को यही आह्वान है, निवेदन है और शुभकामना है कि वो जीवन में आगे बढ़ें एकाग्रचित्तता के साथ, जुनून के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को तय करें और उसको प्राप्त करने के लिए क्या अवार्ड मिला यार? मेरा नाम भूमिका सारस्वत है, मैं कक्षा द्वादश ह्यूमैनिटीज की छात्रा हूँ। मुझे आज स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें बाकी चीजों से अपना ध्यान हटा के अपनी पढ़ाई पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए और अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, उनके साथ हमारी बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि सुरभि मैम है, उन्होंने हमें डांटा भी है, कभी गलती होने पे वो डांटा भी मार देती है, वो कुछ भी कह देती है, लेकिन वो उनसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती है, उनके प्यार में कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा आपको किस अध्यापक या अध्यापिका ने पढ़ाया है? सबसे ज्यादा मुझे पढ़ाया है, सुरभि मैम ने पढ़ाया है। वो मुझे 9th से पढ़ा रही है इंग्लिश, 9th में, 10th में, 11th और 12th। उन्होंने मेरे को इंग्लिश में इतना अच्छा पढ़ाया है कि अब मैं इंग्लिश में बहुत कुछ जान चुकी हूँ। समारोह रहा है स्कूल में, बताइए। मेरा नाम पारुल चौधरी है, मैं कक्षा 12 PPM की छात्रा हूँ। आज हमारा विदाई समारोह रहा था जिसमें हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यार मिला और हमें अपने से बड़े लोगों से बहुत ही प्रेरणा मिली और हमें आगे कैसे चलना है इस चीज़ का हमें रास्ता बताया गया, हमें प्रेरित किया गया।
मैं अपने से छोटे लोगों के लिए बस यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने टीचरों का कहा माने, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि वो कभी भी गलत नहीं बोलते। अगर वो किसी चीज के लिए बताएंगे तो वो सही ही दिखाएंगे। आज विदाई समारोह में बहुत सी यादों की हमारी यादें ताजा हुई हैं और टीचरों के साथ बहुत ही अच्छा समय बीतता रहा है। टीचरों ने हमें कभी डांटा है, कभी प्यार से समझाया है, कभी हमारी तारीफें भी की हैं, और बस यही चलता रहेगा।